देखिए, हमें एक बात समझनी होगी। ये सच है कि हमारा एक हिस्सा मैकेनिकल है, मगर कुछ दूसरे आयाम भी हैं। कि आप में से कितने लोग पिछली बार कब, कितने सालों पहले आपने सूरज को उगते देखा था? या ढलते देखा था? या चांद को उगते देखा था? मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी चीज स्पर्श नहीं करती। पिछली बार कब आपने किसी फूल के खिलने का इंतजार किया? कभी नहीं। आपने पिछली बार कब ध्यान दिया किसी तितली पर, या पत्ते पर, या फूल पर, या किसी और इंसान पर? आपको लोगों के फेस पसंद नहीं, बस फेसबुक पसंद है। जीवन के साथ आपका संपर्क, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो, या बस आपके आसपास के तत्व हो, कितने लोग थोड़े जुड़ाव के साथ उस भोजन पर नजर डालते हैं जिसे वो खाने वाले हैं? मैं कह रहा हूं कि आपने जीवन का नजरिया पूरी तरह खो दिया है। आप ये भी भूल गए हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। ये एक तरह का पागलपन है। इस समय आप खुद को एक जीवित प्राणी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर समय आपके अंदर सिर्फ विचार और भावनाएं चल रही हैं। विचार और भावनाएं बस एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है। इसका अस्तित्व के स्तर पर कोई महत्व नहीं है। यहां हजार लोग बैठे हो सकते हैं और सभी हजारों अलग अलग दुनियाओं में हो सकते हैं। इसका मतलब कोई भी हकीकत में मौजूद नहीं है। कोई भी जी नहीं रहा है। हर कोई जीवन के बारे में बस सोच रहा है। आपके दिमागी दुनिया में जो चल रहा है, दुर्भाग्य से वो जीवन की वास्तविक प्रक्रिया पर हावी हो गया है। आप जीवन को अनुभव नहीं करते। आप सिर्फ अपने आसपास के हालातों के बारे में सोचते और प्रतिक्रिया करते हैं। विचार और भावनाएं हर चीज पर हावी हैं। एक बार जब आप अपने बारे में और इस अस्तित्व में अपनी भूमिका और स्थिति के बारे में सही नजरिया खो देते हैं, तो आप एक बीमारी बन जाते हैं। किसी डॉक्टर को यह डायग्नोज करने की जरूरत नहीं है, यह पहले से ही चालू है। किसी दिन यह ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी जब उनके इंस्ट्रूमेंट से स्पर्श उन्हें इसकी जानकारी देंगे, मगर यह बीमारी चालू है। यह प्रक्रिया जारी है। जब यह एक सीमा से परे चला जाता है तो वो आपका इलाज करेंगे या सर्जरी करेंगे, मगर यह प्रक्रिया जारी है। आप पूरी ताकत से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आज सुबह सूरज समय पर उगा, आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो क्या? नहीं, आपको समझना चाहिए, अगर कल सुबह सूरज नहीं होगा तो 18 घंटे में इस धरती पर लगभग सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सुबह सूरज समय पर उगा। मैं सही तरह की आवाजें सुनना चाहता हूँ। सौर मंडल में कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से नहीं टकराया। पूरे ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस अंतहीन ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं हुई। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मगर आपके दिमाग में एक बुरा ख्याल कीड़े की तरह कुलबुला रहा है, और ये एक बुरा दिन है।